एबीपीएस न्यूज़। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक ठाकुर द्वारा न्याय पंचायत बहादुर नगर स्थित ग्राम दरियापुर पड़ा। लगभग 2500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 35 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान हीरा देवी हैं। इस गांव में कुल वोटर संख्या 1200 तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 399 नजर आती है। गांव में बात अगर शिक्षा की करें तो गांव में लगभग 400 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभों जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में उनके द्वारा लगभग 16 हैंडपंप लगवाए गए हैं जिससे ग्रामीणों को पानी की परेशानी से ना जूझना पड़े। गांव में जब प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा एबीपीएस न्यूज टीम ने की तो पाया कि गांव में प्रधान द्वारा 4 सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है तो वहीं इज्जत घर कहे जाने वाले शौचालयों को भी ग्राम में वितरित किया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने लगभग 25 शौचालय ग्राम में ग्रामीणों को वितरित किए हैं जिससे गांव को शौचमुक्त बनाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने 2 रिबोर कार्य भी गांव में करवाए हैं। इसके अलावा गरीबों को आवास आवंटन भी प्रधान द्वारा किया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से प्रधान प्रतिनिधि ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द 3500 आवास गांव में बनवाए जाएं जिससे ग्रामीणों को घर मुहैया हो सके। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि गांव में सड़कों का निर्माण करवाएं, पंचायत घर, अस्पताल, पशु चिकित्सालय व शमशान घाट की भी गांव में बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गांव में फंड दुरुस्त कराए जिससे वह इन सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करा सके। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रधान द्वारा कार्य अच्छे तरीके से किया जा रहा है लेकिन अभी भी गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं भी गांव में ना के बराबर हैं। वह चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ग्राम प्रधान को फंड मुहैया कराए जिससे वह विकास कार्य में अपनी बेहतरी दर्ज करा सके। मैं प्रधानपति श्री रामवीर सिंह सैनी ग्राम सभा दरियापुर ब्लॉक ठाकुर द्वारा तहसील कमाट से हूँ। मेरे गांव में जो पंचायती काम है मेरे द्वारा जो हो रहे हैं वो सब ठीक ठाक है। सीसी खंजों के अलावा सीसी बना रहा हूँ इससे फिलहाल और 2 नल रिबोर करा रहा हूँ। तो नाली वाली वगैरह काफ़ी सही है लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि संपर्क मार्ग कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है। आज से 50 साल से आज तक जब से गांव बसा हुआ है हमारा संपर्क मार्ग नहीं जुड़ा हुआ है। संपर्क मार्ग में कोई ना कोई बाधा डाल देते हैं। कभी तो कहते हैं कि तुम्हारी पास एक तरफ से वन विभाग आ रहा है, एक तरफ से बिजनौर का जंगल आ रहा है लेकिन हमारा इधर से तो मुरादाबाद आ रहा है, एक तरफ से तो पूरब से तो ना कोई वन विभाग है ना बिजनौर है, मुरादाबाद आ रहा है लेकिन केवल नदी है रामगंगा नदी और कुछ नहीं है। उस पर ना पुल नहीं बनेगा ऐसा आप लिख देते हैं। गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, नेता वगैरह भी बहुत कम आते हैं। पूरा टोटल गांव जो है एक बिरादरी का सैनी बिरादरी का है, केवल एक वाल्मीकि परिवार है और यहां जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क कोई नहीं है, टावर नहीं है यहां पर, ये वाली समस्या है। ना कोई अस्पताल है, ना यहाँ पर जिला पंचायत घर है, ना शमशान घर है और इस गाँव का गाँव भी ब्लॉक से सबसे दूर दराज में आता है। यहाँ की जो समस्या है सभी गाँव वालों की मेन समस्या यह है कि संपर्क मार्ग से जुड़ा है।